और यार ये बरसात के पानी ने तो बालों की हाल खराब कर दी यार। मक्खन से भाई सावन आ गया है, झूले पड़ गए, ना मेंढक टर्रा रहे हैं, बच्चे कागज की नाव बना के बाहर है। हाउस स्वीट भाई तू ऑफिस में क्या कर रहा है? चल बाहर जाके भीगे। हम आपके घर भीगेंगे तो क्या चीखेंगे? मेरा मतलब है कि आइडिया आपका बुरा नहीं है, बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है मशरूम, लेकिन क्या है कि बरसात के मौसम में हमारा हाल खराब हो जाता है। अरे वही जब बिल्ली खड़कती है हमारे पसीने छूट जाते हैं। अरे हम बरसात के पानी से तो क्या खुद पानी से डरते हैं भाई। हम तो बिना पानी के नहाने वाले लोगों में से हैं। सुनिए भाई, पानी से किसी को किस प्रकार की एलर्जी हो सके? हमें एक लंबी कहानी है। मैं भी घड़ी लंबी हो रही हूँ, सुना मैंने। सुना चाहेंगे? हाँ। तो सुनिए, हमारे बचपन में जब हम छोटे होते थे, हम एक बारी बरसात के मौसम में गीले हो गए। उसके बाद हम घर गए, घर के बाहर एक खटिया थी, हम खटिया पे लेट गए सोने लगे। उसी वक्त हमारी नानी कपड़े ढोकर बाहर आ रही थी और उन्हें लगा कि हम नहीं बल्कि एक गीला कपड़ा खटिया पे लेटे हुए हैं। उन्होंने हमें उठाया और निचोड़ निचोड़ कर तार पे लगा दिया। तब से बरसात के मौसम में हमें हमारी नानी याद आ रही है, और इसीलिए हम बरसात के मौसम में नाइट ड्यूटी करते हैं, क्योंकि जब जब बिजली खड़कती है हमें नींद बिल्कुल नहीं आती। इसीलिए अब हमारा बरसात करने का वक्त आ गया है, चलते हैं। एक्सक्यूज मी, अरे मैडम मैडम बाहर क्या मौसम हो रहा है, क्या मौसम हो रहा है, क्या बारिश आ रही है मैडम। मेरा तो मन करता है ऐसी बारिश में मैं मयूर बन के नाचूं। अरे ऐसे मौसम में बस एक चाय मिल जाए और गरम गरम पकोड़े। अरे आज मेरी चुलबुली ने क्या पकोड़े बनाए मैडम, क्या चाय बनाई। अरे यार बनाती कैसे ना, मौसम जो इतना रोमांटिक हो रहा है, आज तो मेरी पड़ोसन पप्पी लूथरा ने मुझे लाइन दे दी। अरे क्या बात कर रहा है यार, और मेरा बुलबुल है मेरा बेटा, और उसने क्या नाव बनाई, बहुत सारी नाव बनाई। राइट यार राइट नाव। नहीं बंद करें बारिश का व्याख्यान, जरा मैडम पे भी दो ध्यान। क्या बात है मैडम, आप जैसी हरी भरी, मेरा कहने का मतलब है मैडम कि आप जैसी खुशनुमा लड़की इतने खुशनुमा मौसम में ना खुश है ना नुमा है, बात क्या है भाई? बात तो ये हो रही है ना कि यो बरसात भाई दुनिया के लिए बरसात है भाई, रोमांस करने का मौका, पर जिसकी जिंदगी में पतझड़ हो उसे साबन से के काम। मम्मी जी कहीं डैडी जी ने? अरे मत कह कर डैडी जी उसने ना डैडी जी बोल बोल के हमारे दिल में तो जो है ना तेने अरमान जगा दिए, पर वो तो डैडी जी कतई बनने को ना हो रहा भाई। उसे तो बारिश से चीड़े और बिजली से डर लगा करे उसे। हाँ तो डर लगने दीजिए ना मैडम, अब ये कोई जरूरी तो नहीं है कि आपको जो चीज पसंद हो वो सर को भी पसंद हो। अब उन्हें भीगी हुई लड़कियां नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है ना मैडम। आई थिंक यू आर राइट गुलगुले भाई, मन ने तो दिख है कि हमारी उम्मीदों का सावन और मक्खन सिंह के प्यार का बादल भाई इस जन्म में तो ना बरसेगा। कुछ करना पड़ेगा। Oh God, अरे गॉड माशअप, अरे हर साल तो आप ये बारिश का महीना हमें डराने के लिए भेज देते, लेकिन कभी कोई कन्याकुमारी कोई शैक्षिक किस्म की लड़की हमारा मन बहलाने के लिए कभी नहीं भेजते आप। What the hell यार। Excuse me. Yes please, yes. Hi. आइए बैठिए बैठिए प्लीज। ओह माय गॉड यू आर वेट। ये बताइए कि इतनी रात गए पुलिस स्टेशन में अकेले आपका आना क्यों हुआ? जी मैं वो देखने आई थी कि यहाँ कोई है या नहीं। भाई यही सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आपकी जिंदगी में कोई है क्या? नहीं लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? भाई क्योंकि आपको देखकर हम तो सेट हो गए। Allow me to introduce myself. I am Chief Inspector Himan Chowki, Hanuman Prasad Pandey. देखिए वैसे भी रात गए लड़कियों के साथ टांग झांक, मेरा मतलब है रात को जब आप जैसी लड़कियां यहाँ पे आती हैं आपसे पूछताछ करना तो हमारा काम है। ये बताइए किसने आपको छेड़ा? छेड़ा नहीं, मेरी कार खराब हो गई है, देखिए ना। देख ही तो रहे हैं।
मेरा मतलब है बताइए क्या देखें? एक तो इतनी जोर से बारिश, ऊपर से अंधेरी रात और मेरी कार खराब। ये बताइए कि अब कार को ठीक करना तो हमें नहीं आता, लेकिन कार्यक्रम बनाना हमें जरूर आता है। तो कार्यक्रम के मुताबिक आपको हमारे साथ यहाँ पे रात गुजारनी होगी। क्या? मेरा मतलब क्या बकवास सुन रही हैं आप? देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि बाहर अंधेरा है, बारिश हो रही है, कुत्ते बिल्लियाँ एक दूसरे से लड़ रहे हैं और यहाँ पे हमारे ठाणी के अंदर छठ है, कोई बारिश नहीं हो रही है, चाय है, बिस्कुट है, हम है। कल देखिए सुबह हम अपनी पेट्रोल पहनकर अपनी साइकिल में आपको आपके घर तक छोड़ देंगे और आपकी गाड़ी को गैराज तक पहुँचा देंगे। ओके, आप कितने अच्छे हैं। वो सब छोड़िए, लेट्स हैव अ ड्रिंक। हाँ, मेरा मतलब है चाय। चाय? हाँ चाय। थैंक यू। थोड़ा डुबाओ, थोड़ा खाओ। देखिए मिश्रा डाला। अरे के देखना है जो तैने मारे संग किया वो ईब, जो मैं थारे संग करूंगी वो। मगर मिश्रा चुप, बात यो ना है कि तैने जड़ना रात एक भीगी छोरी के संग गुजार दी ना, बात यो भी ना है कि तैने जो है फुल नाइट उसे एंटरटेन करा, बात यो भी ना है कि तैने उसे चाय बिस्कुट खिलाए, बात ये हो रही है कि तैने जाना चाय में उसे न दे बिस्कुट डुबो न डुबो डुबो के खिलाए। लेकिन ये आपको कैसे पता? इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है सर। बताइए क्यों? क्यों सर, क्यों आपने मैडम के प्यार को छला? क्यों बन गए आप बेदर्दी बलमा चलिया छेला? क्यों सर, क्यों क्यों क्यों? क्या मैडम चाय नहीं पीती? क्या मैडम बिस्किट नहीं खाती? सर गौर से देखिए, गौर से देखिए हमारी मैडम को, क्या इनके दांत टूटे हुए हैं कि आपने उस लड़की को बिस्किट खिलाया? सर चाय में भिगो भिगो के। हाँ सर, चाय में भिगो भिगो के। डैडी जी, मैं आपकी इस करतूत को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। अरे क्या हो गया आप लोगों को? देखिए, हम तो सिर्फ अपनी ब्यूटी का पालन, मेरा मतलब है हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे थे भाई। अब देखिए, कल की डेट में अगर कोई लड़की जो भीगी हो रात में हमारे पास आएगी, तो अगर वो बिस्कुट को हाथ में लेगी तो बिस्कुट गीला हो जाएगा ना, तो इसलिए हमने सोशल सर्विस के नाते मतलब बिस्कुट की मजबूती रखने के लिए खुद उसको चाय में डुबो दिया। अब मिश्रा, ये भी तो देखिए, कल की डेट में अगर आप भीगी हो और आप अगर हमारे पास आएंगी तो हम भी चाय में बिस्कुट डुबो के आपको दे देंगे। अब आपको जो समझना है आप समझ लीजिए, हम चलते हैं।